हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपको हम एक बुक में कवर चढ़ाने का तरीका सिखा रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको बहुत ही थोड़ी सामग्री की जरूरत पड़ेगी जो कि एक कवर रोल है। आपके पास रोल हो तो ठीक है, या ब्राउन पेपर भी ले सकते हैं या कार्डशीट भी ले सकते हैं। दूसरा जिसमें आपको चढ़ाना हो वो बुक्स है, और एक कैंची की जरूरत पड़ेगी, सीजर, और उसके बाद लास्ट में एक आपको सेलो टेप की जरूरत पड़ेगी उसको बंद करने के लिए। भैया, हम इसे किस प्रकार चढ़ाते हैं कवर? इसको रोल को आप जो है खोल लीजिए, और रोल खोलने के बाद आपको कॉपी को या बुक्स को आपको पहले इसमें नापना है, देखना है कि कितने छोटे और किस तरफ में आना है। अगर आपका इस तरीके से साइज इसकी बन जाती है तो इसमें नाप करके काट सकते हैं, और ऐसे अगर आपकी आ रही है इस तरह की, चूँकि हमारी जो है इससे ऐसे में आपकी आ रही है डबल साइज, तो हम इसको इसी तरफ से काट लेते हैं। इधर से नाप करके एक इंच इधर ऊपर और एक इंच इधर नीचे लगभग रख करके इसको कैंची से काट लेंगे। फिर बचे हुए रोल को किनारे रख देंगे। पुनः इसको अब सीधा करके फिर इसमें इसको अपन बुक्स को ऐसे रख लेते हैं। इसको ऐसे सेंटर बिल्कुल मिला लेंगे, और एक इसको अंगूठे के सहायता से क्रीजिंग कर लेंगे सेंटर पे। उसके बाद इसको ऊपर से लगभग आधा इंच के आसपास में इसको कट कर लेंगे दोनों तरफ से। उसके बाद इसे खोल करके ऐसे इसको यहाँ पे नाखूनों की सहायता से और उंगली की सहायता से होल्ड कर लेंगे। पुनः इसको इसे सेंटर बनाते हुए इसको ऐसे रख करके और उंगली की सहायता से इसको यहाँ से क्रीज कर लेंगे या मोड़ लेंगे, और एक पन्ने पे इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फिर पलट करके इसे उसी प्रकार से पुनः फिर इधर भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, कुछ आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही नॉर्मल और सिंपल तरीके से है। क्योंकि ये पन्नी है तो पन्नी थोड़ा सा खुल जाती है, अगर आप पेपर का चढ़ाएंगे तो बहुत ही कम मेहनत पड़ेगी इसको फोल्ड करने। इसके बाद कैंची की सहायता से इसका किनारे साइड में थोड़ा सा ऐसे कट कर लेंगे, इस तरीके से चारों तरफ से कर सकते हैं इसे, बुक्स ना कटे ध्यान रखिएगा। ये काट करके और ये अंदर का हिस्सा जो छोटा सा हिस्सा है इसे आप बुक्स के अंदर या नोटबुक्स के अंदर जिसमें भी आपको कवर चढ़ाना हो ऐसे कर दें। दोनों तरफ ये कह सकते हैं, चारों तरफ भी कह सकते हैं इसे। फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा क्रीज करके हाथ से फिर इसे अपन इसको मोड़ दें इस तरीके से, ये फोल्ड हो जाएगा आपका। ये बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा हाथ से ऐसे अंगूठे की सहायता से प्रेस कर देंगे। इसी प्रकार आप बैक साइड में भी इसको अंदर कर दें अंदर के हिस्से को, और इधर इसे आप फिर से प्रेस कर दें। ये आप इसे ऐसे फोल्ड कर दें अंगूठे की सहायता से, चारों तरफ से इसे प्रेस कर दें। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर चढ़ गया है। अब चूंकि ये पॉलीथीन है इसलिए खोलने पे जो है ये खुल सकता है, तो आप सुविधा के अनुसार से, चूंकि बच्चे छोटे होते हैं
तो कवर निकल जाता है, तो थोड़ा सा सेलो टेप ऐसे इसको आप लगा देंगे तो ये खुलेगा नहीं आपका, दोनों साइड से इसको, या और भी ज़्यादा चाहे तो लगा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, कैसे बच्चे हैं अपने घर के। ये इसको भी इसी प्रकार लगा दे। हालांकि बहुत से घरों में सेलो टेप होता है, उसका डिस्पेंसर भी होता है, तो इस तरीके से हाथ से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, कैची जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया आपका, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर चढ़ा हुआ है। और आप इसको ऐसे यहाँ से भी ऐसे थोड़ा हल्का सा हाथ मार देंगे ऐसे करके, तो आपकी बहुत सी कॉपियों में यहाँ आगे तक चिपका हुआ रहता है लेकिन गम, तो खुलेगा नहीं। ये बहुत ही बढ़िया लगेगा आपका, देखिए अच्छा कवर है, कहीं भी नहीं निकलेगा। देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।